उद्धव को उलझाकर खुद भी उलझ गए शिंदे। 27 दिन होने को आए लेकिन कैबिनेट का नहीं हुआ विस्तार। 30 जून को शिंदे बने महाराष्ट्र के एकनाथ। तो क्यों उलझा कैबिनेट का पेच? तो उद्धव को उलझाकर शिंदे लगता है कि खुद भी उलझ गए हैं। तभी तो एक महीना होने को आया मगर अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे। भले ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं मगर शिवसेना के बागी विधायक और बीजेपी नेता मंत्री बनने की राह में खुद ही कांटे बिछा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या कैबिनेट का विस्तार करने में कोई पेच फंस रहा है? जी फंस रहा है। मामला क्या है, क्यों और किसकी वजह से, बताएंगे आपको। क्योंकि खबरें ये हैं कि कैबिनेट को लेकर एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के गुट में खींचतान चल रही है, वो भी जबरदस्त। इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि कैबिनेट विस्तार ना होने के पीछे की वजह क्या है। मगर उससे पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि महाराष्ट्र विधानसभा, जी महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 288। ऐसे में संवैधानिक रूप से 15% ही मंत्री बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा 42 विधायक ही मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शिंदे सरकार अपनी कैबिनेट में किसको साथ रखेगी और किसको नाराज करेंगे, जिसके बाद अब सबकी निगाहें शिंदे के आशीर्वाद पर टिकी है। तो वहीं बीजेपी के खेमे में देवेंद्र फडणवीस के करीबी उनसे आस लगाए बैठे हैं। चलिए अब मामले को समझते हैं कि पेच क्या है। दरअसल शिवसेना के बागी खेमे में सीएम एकनाथ शिंदे को छोड़कर 8 पूर्व मंत्री हैं। उद्धव के खिलाफ शिंदे के साथ बगावत करने वाले कुल मिलाकर 9 मंत्री थे, जिसमें से 5 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शामिल थे। ऐसे में शिंदे सीएम बनने के बाद 8 नेता अभी भी मंत्री बनने की राह देख रहे हैं। इसके साथ साथ शिवसेना के दूसरे बागी नेताओं को भी मंत्री बनने का आश्वासन मिला था, जो मंत्री बनने की आस लगाए बैठे हैं। अब आपको बताते हैं कि शिंदे गुट चाहता क्या है। दरअसल गुट की चाहत है कि 8 कैबिनेट पद और 5 राज्य मंत्री के पद उनके खेमे को दिए जाएं। तो वहीं बीजेपी अपने कोटे के 29 मंत्रियों का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में शिंदे गुट जो उद्धव सरकार में मंत्री थे, वो मौजूदा विभागों को बनाए रखने के लिए दबाव डाल सकते हैं। इसके साथ ही शिंदे गुट ये भी चाहता है कि निर्दलीय विधायकों को भी बीजेपी के कोटे से कैबिनेट में शामिल कर लिया जाए और बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी शिंदे गुट की बातों को मान लेती है या कोई बड़ा पेच फंस सकता है। तो अब वाकई देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर में क्लाइमैक्स आएगा या फिर हैप्पी एंडिंग के साथ सियासी फिल्म का दी एंड हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।